अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वर्दा लियाकत और आज मैं बात करूँगी ऑस्टियोपोरोसिस की पैथोलॉजी के हवाले से कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। बेसिकली ऑस्टियो जो वर्ड है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं बोन्स के लिए, और पोरोसिस मीन्स पोरस हो जाना, वीक हो जाना, पोर्स किसी चीज़ में हो जाना। यानी कि जब बोन्स पोरस हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन मास कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और फ्रैक्चर कहाँ ज़्यादा होता है, स्पेशली जो फ्रैक्चर होता है वो रिस्ट फ्रैक्चर कॉमन है। यानी कि जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, अगर वो अपने रिस्ट पे वज़न दे के उठेंगे तो उनका फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब इतनी वीक हो जाती हैं बोन्स। उसके अलावा हिप फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा इसमें कॉमन होता है, थोड़े से गिरते हैं और उन्हें हिप फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनका जो बैक पे फ्रैक्चर उनके कॉमन होते हैं। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर इतनी बोन्स वीक होती हैं कि फ्रैक्चर उनके हो जाते हैं इजीली, काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रैक्चर होने के। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक तो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसे हम कहते हैं सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एज रिलेटेड होता है और ये ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें होता है। अब ओल्ड एज में क्या होता है, बेसिकली नॉर्मली उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी जो बोन्स होती हैं इनमें नॉर्मली हमारी ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी हो रही है। ऑस्टियोब्लास्ट हम कह रहे होते हैं कि हमारे न्यू बोन सेल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट में हमारे पुराने बोन सेल्स जो हैं वो डाइजेस्ट हो रहे होते हैं या ख़त्म हो रहे होते हैं। नॉर्मल ये एक बैलेंस हमारे बॉडी के अंदर हमारी चल रहा होता है, लेकिन जब ये बैलेंस ख़राब हो जाए, यानी कि हमारी ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम हो जाए, यानी कि बोन सेल्स ना बने और बोन्स जो हैं पुराने सेल जो हैं वो डाइजेस्ट होते रहें, ख़त्म होते रहें, तो ऑब्वियसली बोन सेल्स बनेंगे नहीं, तो फिर हमारी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी। और ओल्ड एज में ये ज़्यादा होता है, स्पेशली ये फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स में भी है, फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। फीमेल्स में ज़्यादा ये होने की वजह क्या है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि नॉर्मली तो यंग एज में फीमेल्स में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जब एस्ट्रोजन उनकी जिसने जब पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज आती है तो वो रिलीज़ नहीं होता, तो इस वजह से उनकी ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से उनकी ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ रही होती है। एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से उनकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो इस हम ऑस्टियोपोरोसिस को कहते हैं सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, या एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, या प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। एक दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। अब सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, यानी कि ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है, यानी कि आप सही से आपकी खुराक अच्छी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, विटामिंस नहीं ले रहे, विटामिन डी स्पेशली उसकी डेफिशिएंसी आप में, विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप डाइट तो आपकी अच्छी है लेकिन आपकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, यानी कि आपको कोई जीआईटी प्रॉब्लम है, आप अच्छे से खा पी रहे हैं, आप विटामिंस कैल्शियम्स भी ले रहे हैं, लेकिन आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही आपकी जो है, तो भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। कोई भी जीआईटी प्रॉब्लम की वजह से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसके अलावा जो लोग अल्कोहल ले रहे होते हैं, अब मेल्स में ज़्यादातर जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो उनमें होता है जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जो अल्कोहल ले रहे होते हैं, क्योंकि ड्रग्स अगर आप ले रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या अल्कोहल वगैरह, तो आप में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग में भी जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म भी आ जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी आ जाता है, उसके अलावा पैराथायरॉयड प्रॉब्लम है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, तो भी आप में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ये सारे जो हैं इन कंडीशंस में जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इसे हम सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बेसिकली तो वैसे तो ओल्ड एज में जैसा कि मैंने कहा होता है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस।
अब ऑस्टियोपोरोसिस से आप बच कैसे सकते हैं और ये किन लोगों में ज़्यादा होता है? जैसे कि मैंने कहा फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। उसके अलावा उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो सेडेंट्री जिनका लाइफ स्टाइल होता है, यानी कि जिनकी एक्टिविटी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, तो उन लोगों में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, आप जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, जो वेट बेयरिंग जिन्हें हम एक्सरसाइजेस करते हैं वो करते हैं, तो आपके जिस्म में न्यू बोन सेल्स बनते हैं, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। बोन सेल्स बनते हैं तो आपका जो है वो बोन्स स्ट्रांग होती हैं। जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती तो आपकी बोन्स जो हैं वो वीक होती हैं, यानी कि प्रोलॉन्ग अगर आप इमोबाइल हैं, प्रोलॉन्ग आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में हैं, तो भी आपकी बोन्स काफ़ी हद तक वीक हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो है आपकी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप विटामिन और डी और कैल्शियम अगर अच्छे से नहीं ले रहे तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सिंपली आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए आप अपनी डाइट अच्छी करें, यानी कि आप कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लें, और कैल्शियम वैसे तो दूध में पाया जाता है लेकिन दही में जो कैल्शियम पाया जाता है वो दूध से भी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए आप दही का इस्तेमाल अपनी खुराक में बढ़ा दें। उसके अलावा विटामिन डी, विटामिन डी सबसे जो अच्छा हमें मिलता है वो सूरज की रोशनी में मिलता है। आप जो डेली बेसिस पे सुबह के वक्त जो है वो वॉक करें, एक्सरसाइज करें, एक तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी और आपको जो सनलाइट से आपको जो विटामिन डी मिलेगा तो उससे भी आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी। तो इस तरह का थोड़ा सा बस आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है तो आप जो है ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। और उसके अलावा जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग जो कर रहे हैं वो स्मोकिंग अगर छोड़ दें तो भी उनके जो है वो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अल्कोहल जो ले रहे हैं तो वो भी अगर इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। ये कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं एक, यानी कि अच्छे लाइफस्टाइल ना होने की वजह से ही ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। आप लाइफस्टाइल को अपना बेहतर करें, आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। ख़ुद भी इस पर अमल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अवेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट के थ्रू जो है वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।